पे खर्चा हो गया 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए मतलब ऐसी तैयार विदाउट अलॉय। इस साइड प्रोफाइल में भाई जो अलॉय डलवाए ना तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है। तो भैया ये क्या इंच के हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की मोटिवेशन दिखाएंगे आपको जिमनी में। भाई जिमनी तैयार हो रही है हमारे बहुत ही बढ़िया भैया के पास, ऑटो गैलरी उनकी दुकान का नाम है। तो भाई आपको वहां लेके चलते हैं और भाई दिखाते हैं जिमनी में क्या क्या चीजें लग रही है। भाई बहुत ही बढ़िया तैयार करी है, 1 इन इंडिया वाला काम हुआ है। और भाई जो काम हुआ है ना आप भी देख के दिल खुश हो जाएगा, भाई ऐसा काम कर दिया उस गाड़ी में। तो भाई चलते हैं, मिलवाते हैं भाई से, भैया से मिलवाते हैं और भाई दिखाते हैं उनकी दुकान भी, सब कुछ बताएंगे। और भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, भाई बहुत ही बढ़िया काम होएगा जिमनी में। और भाई सारा प्राइस के साथ बताएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि विदाउट प्राइस बताए, भाई बहुत ही कम प्राइस में तैयार हुई है। चलो भाई चलते हैं और मिलवाते हैं भाई से और दिखाते हैं उनकी गाड़ी। चलो ऑटो गैलरी पहुंच गया है, तो भाई जिमनी चेक कराते पहले, ओनर से मिलो। और भैया जी कैसे हो? भैया आपने गाड़ी तो मतलब एकदम ताबड़तोड़ तैयार कर दी है यार, मतलब नो वर्ड्स है भाई इसके लिए, कोई वर्ड्स नहीं है। और अभी आई है लेटेस्ट में और भाई ऐसी तैयार कर दी ना, मतलब 1 इन इंडिया वाली गाड़ी, तो बिल्कुल लेटेस्ट है और सारी नेक्स्ट लेवल एक्सेसरीज हम ले आए हैं। सही बात है, और जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा ना अपने गाड़ी में वो चीज़ तैयार कर दिया है। तो भैया जी फ्रंट में चालू करें, तो फ्रंट में आपने क्या क्या कर दिया है? फ्रंट में हमने किया अपना हाइड्रो डिपिंग, जो पियानो ब्लैक है, जिसमें कि फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर, साइड पैनल, पूरी गाड़ी का जो बाहर का पार्ट है जो मैट फिनिशिंग में आता है, मैट फिनिश ब्लैक होता है, वो सारे को हमने पियानो फिनिश कर दिया है। गाड़ी में लगाई है हमने फ्रंट पे फ्रंट DRL जो कि विद इंडिकेटर है, और फ्रंट पे लगाए हमने प्रोजेक्टर जो कि इसमें 3 कलर्स हैं, इसके अंदर वाइट, येलो और वॉर्म वाइट, तीनों कलर है। ठीक है जी। और तो भाई वो भी आपको चालू करके दिखाते हैं, तो भाई एक बार लाइट्स ऑन करके दिखा देना भाई, एक बार ये देखो ग्रिल से लाइट चेक करो भाई, क्या ही बढ़िया DRL है। ये देखो। और इसी में इंडिकेटर भी है, इसी में भाई इंडिकेटर भी ऑन कर दो। ये देखो ये लुक चेक करो भाई, जो असलियत है। दो लाइट जब हम राइट इंडिकेटर देंगे और जब ये वाली दोनों लाइट है जब हम लेफ्ट इंडिकेटर देंगे, ये है चीज भाई, जो चीज लगी है ना मेन ये है। और भाई नीचे आए थे प्रोजेक्टर में, येलो भी है वाइट भी है भाई, प्रोजेक्टर करते हैं, प्रोजेक्टर को ऑफ करते हैं, ऑफ किया तो येलो भी आ गया, वाइट भी आ गया और वॉर्म वाइट भी आ गया, तीनों आ गए। ये चीज़ चेक करो। तो भैया अगर हम कॉस्टिंग की बात की जाए, तो ये जैसे आपने ग्रिल लाइट लगाई है तो इसकी क्या कॉस्ट पड़ जाती है? ये 5000 की DRL है, अभी थोड़ी सी नई नई है तो थोड़ी सी कॉस्टली है, अभी चलते थोड़े दिन पुराने होंगे तो नहीं। ये भी सही है। और भैया जैसे आपने ये ग्रिल और बम्पर जैसे आपने वो ब्लैकिश में करवाया है, डिपिंग करवाई है, तो इसमें क्या कॉस्ट आ जाती है? इसमें सर हम इंचेस के हिसाब से लेते हैं। अच्छा, 5 रुपये पर इंचेस होता है। अच्छा, और ऐसे करके 5 रुपये पर इंचेस, ये सारी जो भी कॉस्टिंग आती है उसकी पेमाइश के बाद आती है। अच्छा अच्छा, हर गाड़ी का अपना अपना हिसाब होता है। अपना हिसाब होता है। हाँ। बहुत ज्यादा कस्टमर ने हमसे डिपिंग कराई है, मतलब जो पार्ट जो डल पड़ जाते हैं वो सारे डिपिंग कर। अभी ये जैसे देखा जा रहा है ये ग्रिल भी डिप हो रखी है, ये सारा पूरा पार्ट, पूरे साइड के पैनल, ये साइड के पैनल में मैं दिखा देता हूँ आपको, याद है साइड प्रोफाइल में लेके चलते हैं आपको, साइड प्रोफाइल पूरी ऐसे पीछे बम्पर तक, और नीचे जैसी थी हमने ऊपर ब्लैक पियानो फिनिश सूप रैपिंग भी करी है, और पूरी गाड़ी को हमने सेरामिक कोटिंग और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी की है। सबसे ज़्यादा मेजर अब हमें इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि गाड़ी को पेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो आपके सामने गाड़ी में शाइनिंग रह रही है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बारिश आ जाए तो पानी नहीं रुकता इसमें, तो ये बात सही है। पेंट प्रोटेक्शन के लिए इस चीज के लिए नहीं होता। अच्छा अच्छा, पेंट प्रोटेक्शन क्या होता है, कोई मेजर स्क्रैच पड़ गया, गाड़ी लग गई, तो गाड़ी को पेंट को डैमेज नहीं होगा। ठीक है, सॉल्ट मार्क्स बन जाते हैं पूरी गाड़ी, गंदी हो जाती है, मट्टी बढ़ती है, तो इसके लिए गाड़ी आप प्रॉपर टब यूज कराओ, किसी भी थर्ड क्लास बंदे भी होते हैं वो जो बाल्टी लेके आते हैं उससे भी धोवा के, कोई दिक्कत, मतलब कोई स्क्रैच पड़ने का कहीं दूर दूर तक कोई भी रहा नहीं है। तो भाई साइड प्रोफाइल में भाई जो अलॉय डलवाए ना, तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है। तो भैया ये क्या इंच के पूरी गाड़ी में जान डालने की, ये सही बात है, जो 20 इंच डाले हैं, 20 इंच और अलॉय भी 20 इंच है, टायर भी 20 इंच है। तो भैया आपने क्या सोचा कि यही वाला अलॉय डलना चाहिए और नहीं दूसरा? गाड़ी देखो वाइडनेस, देखो वाइडनेस, देखो वाई कितनी है, देखो। तो भैया ये जैसे चलो उन्होंने तो PPF करा लिए, अगर बंदा PPF ना कराए तो बारिश में तो बहुत छींटे पड़ेंगे और सारे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। हाँ, अब PPF के, हाँ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। ये देखो
भाई बहुत ही बढ़िया लुक दे रही है। भाई पूरी रूफ। तो भैया ये अलॉय की बात की जाए तो अलॉय क्या कॉस्ट पड़ जाती है? ये पड़ते हैं हमारे 5 अलॉय 1,60,000 रुपए के, जिसमें 5 टायर और 20 इंची अलॉय 1,60,000 सब कुछ है। ठीक है, तो भैया आपकी शॉप पे मिल जाएंगे मतलब ये भी? तो भाई ये भी रिक्वायर्ड भैया करवा देंगे। और भैया जो साइड मिरर की बात आती है, साइड मिरर में आपने बताया था कि वो कंट्रोल होते हैं, ऑटोमेटिक रिले लगाया है इसके अंदर कंपनी। अच्छा। से ऑटो बोल्ट तो ये आता ही है। हाँ, आप जैसे रिमोट से लॉक करते हैं तो ये अपना बंद हो जाता है, अनलॉक करते हैं तो खुल जाता है। ये देखो ये भी आपको हम चीज एंड में दिखाएंगे। तो भाई आओ हम पीछे का करिश्मा भी दिखा, पीछे भाई ये चेक करो। ये देखो साइड के फेंडर भी भैया ने ये सारा डिपिंग करवा रखा है। और भाई बैक प्रोफाइल में लेके चलते हैं, तो भाई बैक प्रोफाइल तो कुछ इसकी अलग ही है भाई, पूरी ही जी वैगन है भाई बैक से। ये देखो भाई, और भाई ये अपनी टेल लैंप पे जो कि मिनी कूपर स्टाइल बोलते हैं इसको हम, ये देखो ये जी वैगन वाली वेलकम लाइट ऑन हो गई है भाई, अलग ही मजा है। पूरी मतलब बैक लुक इस तरफ से जहाँ मैं खड़ा हूँ इस तरफ से पूरी ही जी वैगन लग रही है। ये देखो भाई इंडिकेटर्स भी चेक करो, वो भी मैट्रिक्स है। ये देखो भाई क्या ही चीज लग रही है। और भाई जो नीचे वाली चीज लग रही है ये भी भाई बहुत ही क्लासिक है। तो भैया ये चीज क्यों लगाई है ये सीढ़ी? सही बात है भाई, जो भाई प्रोफाइल लग रही है ना बैक प्रोफाइल तो कसम से एंड, और फ्रंट तो एंड है ही है, और बाकी जो अलॉय डलवा दी है उससे तो भाई पूरी ही गाड़ी है। काम नहीं छोड़ा ना, सही बात, मतलब अब बंदा लगाने को भी पैसा नहीं लगा सकता, इतना पैसा लगा दिया और पूरी ही गाड़ी तैयार हो चुकी है। ये देखो क्या ही बढ़िया फिटिंग से, मतलब वायरिंग वायरिंग कुछ भी नहीं दिखेगी, एक लाइट्स का सिस्टम चेक करो भाई क्या ही बढ़िया लुक दे रहा है। और भाई ये चीज चेक करो, मतलब अगर बंदा डिक्की में कुछ ना रखे ना, और अगर रख भी दे ना तो भी कोई वायरिंग कोई बीच में नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई हम आपको अंदर से दिखाते हैं भाई, अंदर भैया ने क्या क्या करा दिया भाई। हाँ भाई सिस्टम भी लग गया, हर चीज लग गया। देखो भैया ने बेस ट्यूब भी पेटी भी लगा रखी है, ये भी रॉकफोर्ड, पूरा काम रॉकफोर्ड। आओ अंदर लेके चलते हैं और अंदर में दिखाते हैं। आओ भाई अंदर लेके चलते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया काम करवा रखे है। देखो अंदर से कुछ इस तरीके की होने वाली है। तो भैया ये अलॉय डलवाने के बाद ऊंची भी काफी हो गई है वैसे गाड़ी में, बिल्कुल बिल्कुल ही कम से कम 7 इंची 8 इंची का फर्क आया है। फिर गाड़ी में अंदर क्या क्या करा आपने? गाड़ी में हमने किया है, देखते ही रहे हो आप, एम्बियंस लाइट, जो कि हमारी जिम्नी गाड़ी के अंदर कोई सब मना करते हैं, इसके लिए K6 आ गया प्रॉपर। जिस भी गाड़ी के अंदर प्रोविजन नहीं है एम्बियंस लाइट लगाने का, उसमें K6 लगती है, वो हमने लगा दी है। K6 नहीं आई है, नहीं आई है। ये इसके हैंडल्स हमने पियानो ब्लैक किए हैं। क्या आई शाइनिंग दे रहे हैं, ये भी मल्टी मतलब डायमंड लुक में दे रहे हैं शाइनिंग। ये देखो पियानो ब्लैक भी, और ये देखो ये हैंडल्स, ये सब कुछ किया है भाई। और भैया और क्या क्या किया है यहाँ पे गाड़ी में? किया हमने पूरा, ये भी पूरा पियानो ब्लैक, पियानो फिनिश किया, मतलब डायमंड में आ रहा है ये, मतलब शाइनिंग में आ रहा है। ठीक है, और हमने सीट कवर सारे इसमें लगाए हैं। सीट्स कवर चेक करो भाई, सीट कवर नहीं है, सीटें बनाई हैं हमने। अच्छा पूरी ही सीटें बनाई है गाड़ी के इंटीरियर के हिसाब से, हमने कलर रखा है इंटीरियर के हिसाब से, इसको बोलते हैं हम एच ग्रे कलर, और एच ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हमने सीट कवर पे रखा है। क्या ही बढ़िया तरीके किया। और भाई ये नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, प्रॉपर एकदम जैसे कंपनी से आते हैं उससे ज्यादा ही कंफर्टेबल लग रही है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। और भैया सिस्टम की बात की है तो आपने सिस्टम में क्या क्या लगा दिया इसमें? सिस्टम में सब कुछ लगाया है, सिस्टम कंपाउंड लगाए हैं, ठीक है, और अपना एक सबवूफर लगाया है, 2 एम्पलीफायर लगाए हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट देखो अपने ट्यूटर की यहाँ की है, पीछे वाले की डोर पैनल तरीके से करी है, पीछे वाले की डोर पैनल पे की है, ठीक है। और ऑडियो सेटअप तो हमारा बहुत बढ़िया है, तो आओ गाइस आपको ऑडियो सेटअप चेक करवाते हैं। एम्बियंस लाइट चेक करो भाई, रनिंग में है, क्या ही कलर चेंज हो रहे हैं, सब कुछ है हमारे, ग्रीन ब्लू व्हाइट येलो, जो सा कलर चाहोगे भाई वो कलर हो जाएगा। बिल्कुल, भाई बिल्कुल, देखो अपना पूरा यहाँ से पूरे हर एक कलर कंट्रोल है। देखो
तो भाई आओ आपको साउंड चेक कराते हैं। भाई साउंड तो बहुत ही अल्टीमेट लगी है। चलो सिस्टम तो भाई बहुत ही बढ़िया लगा हुआ है। तो भैया ये क्या कॉस्ट पड़ जाता है सिस्टम? भैया जो ये रॉकफोर्ड की सीरीज है, पावर सीरीज हमने इसमें लगाई है और कंपैटिबल एम्पलीफायर लगाए हैं जो कि डीएसपी वाले हैं, डिजिटल एम्पलीफायर है, D1 जिसको बोलते हैं। मोनो एम्पलीफायर भी डिजिटल है और 4 चैनल भी डिजिटल है। रॉकफोर्ड पावर सीरीज के कॉम्पोनेंट डिजिटल एम्पलीफायर और कंपैटिबल हमारा इन्क्लोजर है जो कि P2 है और 400 वाट RMS है कंपैटिबल। 400 RMS तो भाई बहुत ही बढ़िया साउंड दे रहा है और इस गाड़ी के हिसाब से मेरे हिसाब से इतनी साउंड और इतनी बेस कंफर्टेबल है। बहुत है भैया। गाड़ी के शीशे खोलो पूरे तो सही बात है। जैसे आप देख ही रहे थे मिरर वगैरह सब कुछ हिल रहा था। तो आओ भैया से पूछवाते हैं, भैया ने पूरी गाड़ी में कितनी कॉस्टिंग कर दी है भाई, क्या ही खर्चा आ गया। देखो कितनी ऊँची हो गई है यार, ये देखो क्या ही बढ़िया लुक है यार। मतलब जिमनी हो तो ऐसी हो करना ना हो भाई, ये चीज़ चेक करो। ये देखो तो भैया कितना खर्चा कर दिया इसमें आपने? भाई इस गाड़ी पे खर्चा हो गया 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए मतलब ऐसी तैयार विदाउट अलॉय या विद अलॉय? विद अलॉय भाई चेक करो, मतलब 4.5 लाख रुपए में गाड़ी ऐसी तैयार हो गया और वो भी जिमनी जैसी, मतलब जो जी वैगन ही है एक तरीके की जिमनी नहीं है। 2 लाख रुपए का हमारा MRP का ऑडियो सेटअप है जो कि आप कहीं भी चेक कर सकते हो। 2 लाख रुपए MRP का हमारा ऑडियो हो गया, इंटीरियर हो गया, मॉडिफिकेशन हो गई, आपकी शॉप किधर है? शॉप का एड्रेस जरूर बताओ। हमारी शॉप का नाम है ऑटो गैलरी जो दिल्ली रानीबाग में है। मेरा नाम है राजू, मोबाइल नंबर है मेरा 9910947037। भाई भैया पे आ जाना, प्राइस की टेंशन मत लेना भाई, बहुत ही बढ़िया प्राइस मिलेगा और बहुत ही बढ़िया काम मिलेगा। जैसे कि आपने देख ही लिया भाई, हर चीज़ का काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रखा है। तो गाइस वीडियो को ये एंड कर रहे हैं, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना भाई गाड़ी कैसी लगी और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।